हम अक्सर देखते हैं कि जहां एक व्यक्ति हमेशा रोगग्रस्त रहता है, वहीं दूसरा व्यक्ति कभी बीमार होता ही नहीं दिखता। क्या हमारे कर्म यह निश्चित करते हैं कि कौन स्वस्थ रहेगा और किसको रोग सताएंगे? प्रश्न। सद्गुरु, हर दिन मैं अपने चारों ओर बहुत रोग और पीड़ा देखता हूं। कई बार ये बात मुझे बहुत परेशान करती है कि किसी मनुष्य को इस तरह के कष्ट होते ही क्यों है। ये बहुत ही अकारण अविवेकी लगता है कि एक मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है जबकि दूसरा मनुष्य खराब स्वास्थ्य से पीड़ित रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि रोग क्यों होता है, ये क्या है और कहां से आता है? सद्गुरु कहते हैं, रोग के कई सारे पहलू हैं। अंग्रेजी शब्द डिजीज का अर्थ है कि आप आराम में नहीं हैं। जब आपके शरीर को पता नहीं चलता कि आराम कैसे करें, तो ऊर्जाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब अस्थमा के रोगी ईशा योग कार्यक्रम में आते हैं और ध्यान तथा योग क्रियाएं करना शुरू करते हैं, तो कुछ ही दिनों की क्रिया से बहुत से लोगों का अस्थमा गायब हो जाता है। इसका कारण यह है कि उनकी ऊर्जाएं कुछ दिन क्रिया करने से ही व्यवस्थित होने लगती है। कुछ लोगों का अस्थमा थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका अस्थमा सिर्फ अस्त व्यस्त ऊर्जाओं की वजह से नहीं हुआ है, इसके अन्य गहरे कर्म संबंधी कारण भी है। कुछ लोगों को बिल्कुल भी आराम नहीं आता क्योंकि उनका रोग बहुत शक्तिशाली कर्म संबंधी कारणों की वजह से होता है। कुछ ऐसी बाहरी परिस्थितियां भी हो सकती है जो न बदली हो। कर्म रोग का कारण कैसे बनते हैं? एक चीज होती है जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जो आपके इस जीवन के लिए आवंटित कर्मों का हिस्सा है। प्रारब्ध कर्म आपके शरीर, मन और अनुभूतियों पर दर्ज रहते हैं, परंतु आज की ऊर्जाओं पर ये सबसे अधिक गहरे रूप से दर्ज होते हैं। ऊर्जाओं पर कोई जानकारी कैसे दर्ज हो सकती है? ये मेरे अंदर एक जीवित अनुभव है। मुझे पता नहीं कि इस पर कोई वैज्ञानिक शोध हो रहा है या नहीं, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि विज्ञान किसी दिन ये जानने के लिए रास्ता ढूंढ ही लेगा। एक समय था जब हम जो कुछ भी दर्ज करके रखना चाहते थे वो सब पत्थरों की पट्टियों पर लिखकर रखना पड़ता था। वहां से हम पुस्तकों की ओर आए और अब आगे बढ़ते हुए डिस्क और चिप्स तक आ गए हैं। पत्थरों की हजारों पट्टियों पर जो कुछ लिखा जा सकता था वो एक पुस्तक में आने लगा, और फिर जो हजारों पुस्तकों में लिखा जा सकता था वो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में आने लगा, और अब तो हजारों डिस्क में आने वाली जानकारी एक छोटी सी चिप में आ जाती है। किसी दिन ये होगा कि आज हम जितना कुछ लाखों चिप्स में दर्ज कर सकते हैं वो ऊर्जा के एकदम छोटे से हिस्से में आ जाएगा। मैं जानता हूं कि यह संभव है क्योंकि यह मेरे अंदर हर समय हो रहा है और यह हर एक में हो रहा है। ऊर्जा स्वयं ही एक खास ढंग से काम करती है। हर एक की ऊर्जा या प्राण शक्ति एक समान ढंग से काम नहीं करती, जो उनके कर्म बंधनों के हिसाब से काम करती है। ऊर्जा में चीजें सबसे गहरे तरीके से दर्ज होती है। ये कर्मों के बैकअप यानी कि मूल स्रोत न होने पर काम आने वाला संग्रह की तरह काम करता है। आपका मन समाप्त हो जाए तो भी ये शरीर में रहती है, और शरीर समाप्त हो जाए तो ये ऊर्जा में रहती है। ऊर्जा का आवंटन होता है, इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं, पर यदि सरल शब्दों में कहें तो ऊर्जा का कुछ हिस्सा कार्य करने के लिए होता है।
कुछ आपकी भावनाओं के लिए, कुछ विचार प्रक्रिया के लिए, और एक अन्य आपके अंदर के अनुभवों के आयामों के लिए। जिस तरह से लोग आज जी रहे हैं, उनकी भावनाएं पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पा रही। ऊर्जा का वह भाग जो दबी हुई अव्यक्त भावनाएं हैं, वो कुछ और नहीं बना सकती। या तो उन्हें भावनाओं की अभिव्यक्ति बनकर उभरना होगा, या फिर वे अंदर की ओर मुड़ जाएगी और आपके अंदर अजीब गड़बड़ियां करेंगी। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में इतनी अधिक मानसिक समस्याएं हैं। ये कहा जाता है कि हर 3 अमेरिकन में से एक किसी ना किसी प्रकार की मानसिक बीमारी का शिकार है। इसके मुख्य कारणों में से एक ये है कि उन संस्कृतियों में भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। हर भावनात्मक चीज को कमजोरी समझा जाता है और उसे दबाया जाता है। सारी दुनिया में 90% या उससे भी ज्यादा लोगों को अपनी भावनाओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करने का मौका ही नहीं मिलता। उन्हें अपने प्यार से, दुखों से, खुशियों से भी डर लगता है। वे हर चीज से डरते हैं। जोर से हंसना एक समस्या है, जोर से रोना भी, सब कुछ एक समस्या ही है। वे इसे आधुनिक संस्कृति कहते हैं। मेरे विचार में तो ये एक प्रतिबंधात्मक संस्कृति है जो आपको एक खास ढंग से व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है। अगर आपकी भावनाओं को पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं मिलती तो यह अंदर जाकर आपका बहुत नुकसान कर सकती है। एक और विचारणीय बात यह है कि आधुनिक जीवन में गतिविधियों का स्तर नाटकीय ढंग से नीचे आ गया है। जिस तरह मनुष्य पहले अपने शरीर से काम लेते थे, अब वैसा नहीं है। लेकिन आज भी आप में भौतिक शरीर सबसे मुख्य भाग है। इसलिए प्रारब्ध कर्म का अधिकतम भाग शारीरिक गतिविधि के लिए आवंटित होता है। यह अनुपात एक व्यक्ति से दूसरे में काफी अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह ऐसा ही होता है। अगर ये उपयोग न की गई ऊर्जा वैसी ही रह जाती है तो यह आसानी से रोग उत्पन्न कर सकती है। आधुनिक मन एक खास तरह की विषिक्तता से पीड़ित हो रहा है जो पहले के समय में नहीं थी, क्योंकि आजकल मनुष्य ने अपने शरीर का उपयोग करना बहुत कम कर दिया है। जब आप अपने आप को शारीरिक गतिविधि में तीव्रता से लगाते हैं तो आपके तंत्र की गड़बड़ियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आपकी नसों की ऊर्जा का अच्छी तरह उपयोग हो जाता है। लेकिन पहले के किसी भी समय की तुलना में आज का आधुनिक मनुष्य ज्यादा निष्क्रिय एवं विक्षिप्त हो गया है। आज समाज में यह सामान्य बात हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति विक्षिप्तता के किसी न किसी स्तर पर है, और ये सिर्फ इसलिए है कि शारीरिक गतिविधि के लिए आवंटित ऊर्जा का सही उपयोग नहीं हो रहा है। शारीरिक सक्रियता एकदम कम होने के कारण ये ऊर्जा ऐसे ही बंधी हुई पड़ी रहती है। अब देखेंगे कि जो लोग उच्च स्तर की शारीरिक गतिविधि में लगते हैं, जैसे कि पर्वतारोहण जैसी खेलकूद गतिविधि में, वे संतुलन और शांति के एक अलग ही स्तर पर होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी शारीरिक गतिविधि का उपयोग होता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग कामुकता तथा भौतिक वासनाओं में ज्यादा नहीं फंसते, क्योंकि उनके एक पहलू को पूरी अभिव्यक्ति मिल गई है। इस प्रकार के निष्क्रियता का परिणाम रोग है, और सबसे बढ़कर निष्क्रियता तथा बंधी पड़ी ऊर्जा ही
अशांति का कारण बनती है। शरीर में यह अशांति कुछ लोगों में किसी प्रकार के शारीरिक रोग का निर्माण करती है और अन्य में भले ही ये रोग कोई रोग न बनाए पर वे लोग हर समय अशांत और अस्त व्यस्त होने के कारण आराम की स्थिति में नहीं होते। उनकी ऊर्जाएं हर समय अंदर ही अंदर संघर्ष कर रही होती हैं। वे शांति से बैठ भी नहीं सकते। अगर आप लोगों को ध्यान से देखें तो वे जिस तरह से बैठते या खड़े होते हैं वही दर्शाता है कि वे आराम में नहीं हैं। उन्होंने बस अभ्यास करके एक तरह का सजीलापन सीख लिया है कि कैसे बैठना, खड़े होना या चलना है। पर अगर आप अपनी गतिविधि में आराम की कमी को इस तरह के अभ्यास से दूर करेंगे तो यह संघर्ष आपकी ऊर्जा में समा जाएगा, क्योंकि ये अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा। एक ऐसे अलग आयाम में परिवर्तित हो जाता है जहां इसे अभिव्यक्ति मिलती है। यही कारण है कि ऊर्जा अंदर घूम जाने के कारण रोग बना देती है। एक कारण है कि क्यों हमारे ब्रह्मचारी इतनी अधिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। कोई भी जो उनकी गतिविधि का स्तर देखेगा उसे आश्चर्य होगा कि ये लोग जो यहां अपनी आध्यात्मिक क्रियाएं करने के लिए आए हैं दिन के 2400 घंटे क्यों काम करते रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ पेड़ के नीचे बैठना और आधी नींद में रहने जैसा कुछ है, मगर ऐसा नहीं है। उनका कामकाज उनके आध्यात्मिक विकास का एक भाग है। इसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि वे अपने प्रारब्ध कर्म के लिए आवंटित ऊर्जा को एक निश्चित समय में, मान लीजिए 5 ही वर्षों में पूरी तरह समाप्त कर दें। अगर वे इस तरह कर्म को पूरा कर लेंगे तो फिर उन्हें किसी काम को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वे काम अपनी मर्जी से करेंगे, मजबूरी में नहीं। फिर अगर उनको सिर्फ बैठे रहने के लिए कहा जाएगा तो वे सहज रूप से बैठे ही रहेंगे। उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यही वह चीज है जो हम उच्चतर स्तर के कार्यक्रमों जैसे भाव स्पंदन और संयमा में करते हैं। शरीर को तोड़ने वाली जबरदस्त शारीरिक गतिविधि के माध्यम से आप गतिविधि के लिए आवंटित ऊर्जा का अपने सामान्य जीवन की तुलना में जल्दी उपयोग कर लेंगे। इससे आपके अंदर शांत बैठने के लिए सही स्थिति बनेगी। फिर ध्यान स्वाभाविक रूप से होगा। लेकिन जब आप में गतिविधियों के लिए आवंटित पर उपयोग न की हुई ऊर्जा होगी तो आप शांति से बैठ नहीं सकेंगे, क्योंकि ऊर्जा कुछ ज्यादा करने का प्रयत्न करेगी। रोग के कुछ अन्य पहलू भी हैं। कुछ कर्म संबंधी कारण भी होते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा एक खास ढंग से काम करती है और रोग उत्पन्न करती है। लोग यदि कर्मों के कारण रोगी है तो बात अलग है, पर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें रोग नहीं होने चाहिए। पहले के किसी भी समय की तुलना में चिकित्सा शास्त्र आज ज्यादा उन्नत, ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी लोग रोग मुक्त नहीं हुए हैं। शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जाएं दोनों का ही आवंटन ज्यादा होता है पर उनका सही उपयोग नहीं होता। सिर्फ एक ही ऊर्जा है जो पूरी तरह से उपयोग में लाई जाती है और वो है मानसिक ऊर्जा, जो विचारों के लिए आवंटित है। उदाहरण के लिए आपके देश के बजट में धन आवंटित किया जाता है,
शिक्षा के लिए इतना, विकास के लिए इतना, उद्योग के लिए इतना और ऊर्जा के लिए इतना। मुख्य बड़ा हिस्सा ऊर्जा के लिए आवंटित होता है और अगर आप इसका उपयोग नहीं करते तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। यही सब आपके शरीर में भी हो रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शरीर, मन, भावना और ऊर्जा सही ढंग से काम करें एवं उनका उपयोग हो। सिर्फ तभी जीवन सभी स्तरों पर मजबूती से चलेगा और एक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण तरीके से घटित होगा। धन्यवाद।